नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। मैं बात करने जा रहा हूं आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देते हुए एक पार्टनरशिप किया है। तो क्या है वो पार्टनरशिप, आइए उसके ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, कंपनी आज के दिन दोस्तों यहाँ पर 19/2021 प्रेस रिलीज करके बताया है, हैप्पीएस्ट माइंड्स पार्टनर्स विथ कोका कोला बॉटलिंग कंपनी यूनाइटेड इन देयर रोबोटिक ऑटोमेशन जर्नी। जी हाँ दोस्तों, दोनों कंपनी जो है कोका कोला बॉटलिंग के रोबोटिक ऑटोमेशन जर्नी को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है एक पार्टनरशिप हुआ है। अगर डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे, देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ए बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आईटी सॉल्यूशन कंपनी अनाउंस्ड इट हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। किसके लिए? फॉर कोका कोला बॉटलिंग कंपनी यूनाइटेड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग इट्स ऑर्डर मैनेजमेंट विथ आरपीए इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑटोमेट। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आरपीए के जरिए कंपनी का जो ऑर्डर मैनेजमेंट है, जो कोका कोला का जो डिलीवरी करता है, जो कोका कोला बेचता है दोस्तों, इसका ऑर्डर को जो ऑर्डर और इनवॉइसेस को ये जो है स्ट्रीम्ड लाइन करने के लिए और फुल्ली ऑटोमेटिक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी दोनों कंपनी का यहाँ पर जो है पार्टनरशिप होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी डिटेल में अगर कोका कोला बॉटलिंग के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोका कोला बॉटलिंग एक्चुअली करता क्या है। यहाँ पर देखिए, अबाउट कोका कोला बॉटलिंग कंपनी यूनाइटेड फाउंडेड इन 1902 में कंपनी का जो है यहाँ पर गठन हुआ था एंड हेडक्वार्टर्स इन बर्मिंगम अलबामा। कोका कोला बॉटलिंग कंपनी यूनाइटेड इज द थर्ड लार्जेस्ट बोटलर ऑफ कोका कोला प्रोडक्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरा बड़ा जो है ऐसे कोका कोला प्रोडक्ट्स का ये कंपनी है। उनका और लिखना है, आवर 10,000 एसोसिएटेड्स लोकेटेड अक्रॉस द साउथ ईस्ट आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, इनका देखिए 10,000 एसोसिएट्स हैं इनका, प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिफ्रेशिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड बेवरेजेस। जी हाँ दोस्तों, कोका कोला बॉटलिंग काफ़ी बेहतरीन कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स का, और इसका जो है मार्केट शेयर भी यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में। ये देखिए, कंपनी का 97% बिजनेस जो है दोस्तों डिजिटल बिजनेस है, और इसके अंदर डिजिटल बिजनेस के अंदर आता है आईओटी। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे काम ये करता है, जो कि आने वाला समय इसका ही होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आरपीए, ये देखिए कंपनी आरपीए में काम करता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग नेटवर्किंग में काम करता है, बिग डेटा एनालिटिक्स में कंपनी काम करता है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर देखिए ब्लॉक चेंज में काम करता है, कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर देखिए बीपीएम इंटीग्रेशन में भी काम करता है और सिक्योरिटी का भी काम करता है दोस्तों। कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाली कंपनी है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कंपनी देखिए बीएफएसआई को भी अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, एडुटेक का भी काम करता है। यहाँ देखिए कंपनी हाईटेक को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी अपना जो है डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है, रिटेल सेक्टर में भी कंपनी का बेहतरीन पहुंच है दोस्तों, और अगर बात करेंगे ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी इसमें भी कंपनी काम करता है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की और कुछ पैरामीटर को देखेंगे, नेक्स्ट हम फाइनेंशियल पैरामीटर को देखेंगे दोस्तों। कंपनी देखिए अभी हैप्पीएस्ट माइंड का अगर हम पी देखेंगे तो 69.24 में चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 69.24, और ऐसे में इस अगर हम इस वैल्यू को देखेंगे तो काफ़ी ओवर वैल्यूड नज़र आता है दोस्तों, इनके जो है पीयर कंपनियों में से देखेंगे तो। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टीसीएस को अगर देखेंगे तो काफ़ी
थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आता है दोस्तों। और कंपनी हाई ग्रोथ वाला कंपनी है और ये मुझे नहीं लगता है कि ये और भी सस्ता पी में कभी मिल सकता है दोस्तों। अगर मिलता है तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर में देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंपनी का जो है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू नेट प्रॉफिट को देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जून जो है कंपनी का जून क्वार्टर में 50 करोड़, 34 करोड़, 42 करोड़ और मार्च क्वार्टर में देखिए कंपनी ने 36 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर हम ईयर वाइज प्रॉफिट को देखेंगे दोस्तों, स्टैंड अलोन प्रॉफिट को देखते हैं यहाँ पर कंपनी का, मार्च में देखिए कंपनी 36 करोड़ और रेवेन्यू को अगर देखेंगे तो देखिए कंपनी का ये देखिए मार्च 2021 में 208 करोड़ का यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 208 करोड़, ये यहाँ देखिए पिछले अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करेंगे देखिए वहाँ यहाँ था 192 करोड़ का। यहाँ रेवेन्यू में भी आपको यहाँ पर देखिए एक ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा 186 करोड़ से 208 करोड़ का दोस्तों। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे ईयर वाइज, इसमें भी आपको देखिए मार्च 2020 में 4 करोड़, अब बढ़ के 36 करोड़ हो गया दोस्तों। फाइनेंशियली और कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी बेहतरीन नंबर यहां पर कंपनी का देखने के लिए मिलता है। कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट को देखेंगे, यहां पर देखिए कंपनी का टोटल रिजर्व एंड सरप्लस दोस्तों 518.30 करोड़ का यहां पर रिजर्व में सरप्लस है और ये देखिए ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज होते हुए मिलेगा। कंपनी का अगर हम कर्जा को देखेंगे, देखिए कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ दोस्तों यहां पर देखिए 36 करोड़ का यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कंपनी का देखिए 109 करोड़ का यहां पर कर्जा कंपनी के पास है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को देखेंगे, कंपनी देखिए दोस्तों यहाँ पर 140 करोड़, लगभग 140 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास कैश अभी मौजूद है। करंट इन्वेस्टमेंट कंपनी देखिए 391 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है दोस्तों। कुल मिला के देखेंगे कंपनी न्यूज तो कंपनी के लिए काफी बेहतरीन न्यूज है दोस्तों। ये आने वाले समय में कंपनी का जो है फाइनेंशियल पैरामीटर को, फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट को और भी मजबूत कर सकता है दोस्तों। इसमें कंपनी में एक आने वाले समय में रेवेन्यू भी और भी बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा क्योंकि कंपनी अपना जो है एक्विजिशन कर रहा है और पार्टनरशिप भी लगातार यहां पर करता जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आप कंपनी के ऊपर निवेश करके बिल्कुल चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो है फ्यूचर का कंपनी बनने वाला है, क्योंकि आने वाला समय जो है 100% डिजिटल का दुनिया होने वाला है दोस्तों। ऐसे में हैप्पीएस्ट माइंड जैसे कंपनियां बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना था। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।